जैसा कि आप सभी को पता है कि वोटर आईडी कार्ड का जो लुक है वो काफ़ी बदल चुका है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं फुल एचडी में, तो बहुत ही इजीली वो अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन कैसे जो है वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड किया जाता है और डाउनलोड करने के बाद आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर सर्च में आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। ये टाइप करने के बाद इंटर करते ही ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ईपिक डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन वाला कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले इस वेबसाइट पे कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इसमें लॉगिन करना है, आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करना है या फिर ईपिक नंबर टाइप करना है, या मतलब कि वोटर आईडी कार्ड नंबर मोबाइल नंबर टाइप कीजिए या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप कीजिए, दोनों में कोई एक यहां पर टाइप करना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद यहां जो ये कैप्चा लिखा हुआ है, यहां पर लिखने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब वेरीफाइड हो जाएगा तो लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट में। यहाँ पर आपका नाम भी दिखेगा, यहाँ पर होम पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको दोबारा से जो है ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आई हैव ईपिक नंबर या फिर फॉर्म रेफरेंस नंबर टाइप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप ईपिक नंबर पे क्लिक करके यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे और करने के बाद यहां से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ईपिक नंबर आ जाएगा, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर, नाम आ जाएगा आपका जो है फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आ जाएगा, स्टेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो है लोकेशन आ जाएगा और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आपका लिखा होगा। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP वेरीफिकेशन, यानी आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और तब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको ओटीपी नंबर टाइप करके वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है OTP वेरीफिकेशन डन सक्सेसफुली और यहाँ पे डाउनलोड ईपिक लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंग्रेचुलेसन योर ईपिक फॉर ईपिक नंबर हैज बीन सक्सेसफुल जनरेटेड, प्लीज सेव योर कॉपी ईपिक फॉर फ्यूचर यूज, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ डाउनलोड हो गया है। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं कि वोटर आईडी कार्ड जो है नया में अब किस तरीके से ये दिख रहा है। फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है वोटर आईडी कार्ड शो होगा। देख सकते हैं कितना अच्छा जो है फुल एचडी में जो है आपका वोटर आईडी कार्ड इस तरीके से आ गया है। अब आप इसे जो है प्रिंट भी करा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।